हाय एवरीवन दिस इज़ बरने आज का टॉपिक हमारा डॉल्फिन स्पीशीज़ के ऊपर है देखिए डॉल्फिन जो है वो इंडस और गेंजस दोनों में पाए जाते हैं अब ये दोनों जो रिसेंट कर करंट अफेयर है ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं सेम नहीं है लेटेस्ट रिसर्च हमको ये बताती है इसी पर आज हम बात करेंगे अब देखिए स्पीशीज़ क्या रहती है अगर हम यहाँ पर फिलहाल डॉल्फिन की बात करें हैं और डॉल्फिन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि गेंगेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडिया का नेशनल इक्वाटिक एनिमल भी है तो चलिए डिस्क क्वेश्चन इस पर शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस फेसबुक इंस्टा किसी भी सोशल मीडिया पे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा तो अब देखिए जो नई रिसर्च हुई है वहाँ पे ये कंक्लूड किया जा रहा है कि जो डॉल्फिन्स हैं एक तो आपके इंडस रिवर में जो पाई जाती है और जो आपके गैन्जर्स ब्रह्मपुत्र रिवर्स में पाई जाती है वो दोनों आपस में अलग हैं इसलिए उनको डिफरेंट स्पीशीज़ में इंक्लूड किया जाएगा स्पीशीज़ क्या होते हैं देखिए वो एनिमल्स जो एक जैसे दिखते हैं दे आर अलाइक और आप स्पीशीज़ को डिफाइन करते हैं जब उस एक स्पीशीज़ के एनिमल्स आपस में ब्रीड कर पाते हैं इसलिए वो एक स्पीशी है अगर वो आपस में ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ हो जाएगा जस्ट बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए तो इसलिए पहले हम इन डॉल्फिनस को मानते थे कि शायद ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती हैं लेकिन नहीं अब ऐसा नहीं है ये दोनों लेटेस्ट रिसर्च हमको दिखाती है कि दोनों गैंगटिक और इंडस आ, रिवर की डॉल्फिन्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं अब डॉक्टर ब्रॉलिक हैं जो इन्होंने इन पर सब पूरा जो रिसर्च किया है वो पूरा इंडिया भी अच्छे से घूमे पाकिस्तान से भी उन्होंने पूरा डेटा लिया क्योंकि इंडस रिवर में जो डॉल्फिन्स हैं वो आपको मोस्टली पाकिस्तान में ही मिलेंगी तो वहाँ पर उन्होंने सारा डेटा जो इकट्ठा किया उसको अच्छे से उस पर रिसर्च किया इनफैक्ट उन्होंने डॉल्फिन के स्कल्स को भी मेजर किया कि यानी पूरा प्रोसेस क्या था जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि दोनों की स्पीशीज अलग है तो स्कल्स को देखा दोनों के स्कल्स में उनको डिफरेंस नजर आया और इस तो इस रिसर्च में टोटल दिखाया जा रहा है कि दोनों रिवर्स में कि जो डॉल्फिन है उनके टीथ को काउंट किया गया हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ एक तो दोनों डॉल्फिन के टीथ अलग अलग हैं कलरेशन कलर्स अलग हैं ग्रोथ पैटर्न भी उन्होंने देखा कि ग्रो करने का पैटर्न भी उनका अलग है स्कल की शेप्स अलग हैं और फिर आपके जेनेटिक डिफरेंसेस ये तो आ गए एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स जो दोनों डॉल्फिन के अलग हैं और उसके बाद आ गया जेनेटिक डिफरेंसेस जेनेटिक डिफरेंसेस आप कैसे पता लगाते हैं डी कि दोनों डॉल्फिन का डी लेके एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर उसको रन किया गया और हमको पता चला कि इनका डी भी उसमें भी डिसिमिलरिटीज़ uh, हैं जो इनको अलग अलग स्पीशीज़ बनाती है तो ये आपका करंट अफेयर है जो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों स्पीशीज़ डिफरेंट हैं अब ये जो डिफरेंसेस हैं इंडस और गैन्जस रिवर डॉल्फिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको गैन्जस डॉल्फिन की बात करें तो यू नो दे आर आई आयू स्टेटस एंडेंजर्ड है और रिसेंटली इंडिया ने भी रिसेंटली काफ़ी समय से इनफैक्ट इंडिया भी जब से हमको पता चला है कि डॉल्फिन की पॉपुलेशन कम हो रही है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हमने भी बहुत सारी चीज़ें जैसे विक्रमशिला आपने लेटेस्ट अभी सुना होगा या फिर हमारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन है तो हमने डॉल्फिन को लेकर काफ़ी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए क्योंकि दोनों पूल पूल हो गया एक पूल आ गया आपका इंडस रिवर का जो डॉल्फिन है दूसरा आ गया आपका कैंडस और ब्रह्मपुत्रा वाले जो डॉल्फिन इनको डिफरेंट पूल्स बोलेंगे अब दोनों पूल्स में बहुत कम डॉल्फिन्स के नंबर बचे हैं और हम इनको तभी प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि एनिमल को जब हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आप समझ लीजिए अब नियर एक्सटिंक्शन है अब इन दोनों के बारे में आ, अगर आपके फीचर्स की बात करें तो दोनों ही जो डोल्फिन हैं ये ब्लाइंड डोल्फिनस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एवोल्यूशन होती है तो ये मडी रिवर में इन्होंने रहना शुरू किया नेचुरली मडी रिवर्स में रहना शुरू किया और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन में इनकी आईसाइट ख़त्म हो गई तो आप सोचेंगे कि ये शिकार कैसे करती हैं तो देखिए इनका एक सोनार सिस्टम होता है सोफिस्टिकेटेड सोनार इको लोकेशन जैसे कि इको यहाँ से ये वेव्स इनकी जाती हैं अगर यहाँ पे कोई प्रे है उससे टकरा के वापस आती हैं राइट तो ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि इनका प्रे कितनी दूर है या इनका कोई प्रिडेटर आ रहा है इनसे खतरा है तो वो कितना दूर है और डायरेक्शन और नेविगेशन भी इनका एको लोकेशन की मदद से ये पूरा सोनार सिस्टम जो इनका है उसकी आ, उस वजह से चलता है और उसी से शिकार कर पाती हैं उसी से अपना डायरेक्शन पानी में मूव कर पाती हैं तो याद रखिएगा जो ब्लाइंड दोनों जो हैं ये डॉल्फिन्स ब्लाइंड हैं क्योंकि स्टेटमेंट में प्रिलम में आपको ऐसा आ सकता है कि इज व्हाट आर द ट्रू स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस एंड गैन्जस डॉल्फिन एक में आ गया बोथ द डॉल्फिन आर ब्लाइंड राइट अब इनके डिफरेंसेस किस में है वो आपको याद रखने टीथ के नंबर में डिफरेंस है कलरेशन अलग है ग्रोथ पैटर्न अलग है स्कल शेप अलग है और सबसे बड़ी बात इनका डीएनए, जेनेटिक डिफरेंसेस अलग है तो ताकि आप इसमें आंसर टिक करते हुए कंफ्यूज ना हो अब देखिए दोनों स्पीशीज़ थ्रेटेंड हैं फिशिंग नेट्स प्रॉब्लम क्या आती है थ्रेड्स वाला स्लाइड आगे भी मैंने डाला है कि इनको मेनली किन किन चीज़ों से खतरा है डेफिनेटली फ़िशिंग नेट्स अगर हम शॉर्ट में बात करें जो शिकार लोग हंटिंग फिशिंग करते हैं उसमें ये के मर जाती हैं डैम से खतरा है इरिगेशन के लिए जो बैरेजेज़ लगाए जाते हैं उसके बाद वाटर वेज हमारा कितना पोल्यूशन हो रहा है उससे खतरा है जिससे इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है तो याद रखिए एंडेंजर्ड है आई की रेड लिस्ट में यहाँ पे थोड़ा सा हम गैंगटिक डॉल्फिन के बारे में देखते हैं साइंटिफिक नेम है इसका प्लेटानस्का गैंगटिका ठीक 1801 में ऑफिशियली इसको डिस्कवर किया गया था कहाँ रहती हैं ये डॉल्फिन गांजर्स ब्रह्मपुत्र मेघना कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम जो है नेपाल इंडिया और बांग्लादेश के यहाँ पे हमारी गैंगटिक डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है अब गैन्जस रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर जो हमारी गैन्जस रिवर की डॉल्फिन है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है और याद रखना है कि असेंशली ब्लाइंड है तो ये मैंने आपको बता दिया ईको लोकेशन जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं उसी के बेसिस पे ये नेविगेट करती हैं हंट करती हैं यानी जैसे ये डॉल्फिन यहाँ से जा रही है अल्ट्रासोनिक यहाँ पे कोई प्रे है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी यहाँ से वापिस रिफ़्लेक्ट होकर जाएंगी तो ये अपने माइंड में एक मेंटल इमेज उसकी बना लेंगी कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरफ़ शिकार करना है तो इनको निकलने में सु भी कहा जाता है गैंगटिक डॉल्फिन को और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ के एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो अब इनका नंबर कहीं ट्वेल्व हंड्रेड टू एटीन हंड्रेड जो है वह रह गया है और ये यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इंडस रिवर डॉल्फिन्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो इंडस रिवर की डॉल्फिन्स हैं वो पहले जो टैथित्स सी आप जोग्राफी में पढ़ते हैं टैथिय सी में ये पाई जाती थी लेकिन बाद में ये सी ड्राई अप हो गई और वहाँ पे जो डॉल्फिन थी उनको उनके पास रहने के लिए रिवर्स ही रह गए और फिर उन्होंने इसी तरीके से ख़ुद को अडाप्ट कर लिया कि वो रिवर्स में रहें और आज आप देख सकते हैं लोअर पार्ट्स जो हैं इंडस रिवर के पाकिस्तान रिवर ब्यास फिर जो ट्राइब्यूट्री है इंडस रिवर की पंजाब में वहाँ पे ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है पाकिस्तान में भी इनका नंबर ड्रामेटिकली बहुत कम हो गया क्योंकि इरिगेशन सिस्टम्स बैरेजेस वहाँ पे बनने लग गए और ये जो डॉल्फिन्स हैं ऑलमोस्ट सेवन फिफ्टी माइल स्ट्रेच जो है रिवर का उसमें कन्फाइंड हो गई इतने एरिया में ही आपको मिलती हैं और उसके बाद इनकी पॉपुलेशन भी डिवाइड हो गई पॉपुलेशन जो इंडस रिवर डॉल्फिन्स की है क्योंकि बीच में सिक्स बैरेजेज आ गए तो आपस में भी ये डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन अलग हो गई अब वैसे इन्होंने अडाप्ट कर लिया है मंडी रिवर में रहना ब्लाइंडली फंक्शन करती हैं अगेन ये भी अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन पे नेविगेट करती हैं कम्युनिकेट करती हैं और इनके प्रेज यूजुअली क्या रहते हैं जैसे प्रॉन्स हो गए कैटफिश हो गया कार्प हो गया आई होप ये गैंगटिक और इंडस के बारे में डॉल्फिन के बारे में आपको मालूम है यहाँ पर मैंने इंडिया की तरफ से आपको थोड़ा सा बताया कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो यहाँ पर चल रही है प्राइम मिनिस्टर ने इसको आ, रिसेंट इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी मैंशन किया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के लाइन पे क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल 2019 में ही मिल गया था जो हमारी नेशनल गंगा काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग थी और प्राइम मिनिस्टर ही उसके हेड थे तो डेफिनेटली यहाँ पर बात की गई है कि क्या क्या थ्रेट्स हैं इसको और कैसे इस स्पीशीज़ को हम बचा सकते हैं थ्रेट्स की बात करें तो मैंने आपको कहा था अलग से स्लाइड डाली है कोई भी डॉल्फिन को सबसे पहले बाई कैच का ख़तरा है क्योंकि ये हंटिंग में नेट में फंस जाती हैं जहाँ पे वाटर करंट स्लो रहते हैं तो और ये जो डॉल्फिन है एक्सीडेंटली इनको कोई यू you नो know, हंट करने आता नहीं है एक्सीडेंटली ये फ़िशिंग नेट्स में फंस जाती हैं इसलिए इसको बाई कैच कहा जाता है पल्यूशन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ह्यूमन पल्यूशन पानी का बहुत और रहा है इनका हैबिटाट इस वजह से डिग्रेड हो रहा है और थर्ड सबसे बड़ा जैसे पाकिस्तान में भी मैंने आपको बताया कि सिक्स बैरिजेज़ वहाँ पे बना दिए गए तो इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इरीगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं सो so, इनकी इनब्रीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है पॉपुलेशन इनकी कम होती जा रही है क्योंकि डॉल्फिन्स बिलो और डैम आर थ्रेटन बाय हैवी पोल्यूशन डैम के नीचे जो डॉल्फिन्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वेसल ट्रैफिक होता है फ़िशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और ऊपर से इनका फूड जो जिन परे पे डिपेंड करते हैं वो भी कम होने लग जाते हैं इनकी माइग्रेशन साइकिल जो है वो इफ़ेक्ट होती है ब्रीडिंग साइकिल इफेक्ट होती है हैबिटेट इनका बिगड़ जाता है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में देखा गया और अब गवर्नमेंट इसको लेकर आगे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू कर रही है ताकि इन दोनों पुल की डेलीफ को बचाया जा पाए तो यही था आज का डिस्कशन जहाँ पर हमने मेन जाना कि इंडस डॉल्फिन क्या कटेक्ट डॉल्फिन दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं कैसे क्या डिफरेंसेस हैं क्या सिमिलैरिटीज़ हैं क्या थ्रेट्स हैं आज की वीडियो में ये सब हमने जाना तो अगर आपके कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोर्सेज ई एम अवेलेबल है सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी थैंक यू सो मच